400 दिन तक मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद लंबी लड़ाई लड़कर आखिरकार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एमवीए गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। एमवीए गठबंधन में दरार पड़ने के दावे सुनाई पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से भाजपा के साथ गठबंधन पर भावनात्मक बयान दिया है और अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे से हटकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में आदित्य ठाकरे आ गए हैं। जहां एक तरफ शरद पवार के साथ बिगड़ी बात को लेकर शिवसेना में काफी ज्यादा सुगबुगाहट हो रही है, वहीं सवाल ये उठता है कि क्या अब ये गठबंधन टूट जाएगा। आपको बता दें, निशाना साधा जा रहा है शरद पवार पर। शिवसेना के बागी विधायक अब तक कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी शरद पवार के चलते गई है। शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे को गलत पाठ पढ़ाते रहे। ऐसे दावों के बीच में आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा है, राक्षस महत्वाकांक्षा वाले लोग मौजूद हैं, ये बात मेरे पिता जानते थे, लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना करना असंभव था। मेरे पिता ने कल्पना ही नहीं की थी कि लोग अपनी खुद की पार्टी के साथ धोखा कर देंगे। आदित्य ठाकरे को शिवसेना का नया चेहरा फिलहाल माना जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों को गद्दार कहा और ये भी कहा, पार्टी की गंदगी चली गई, अब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बागी विधायकों पर हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, ये कल्पना करना असंभव है कि कुछ लोग अपनी पार्टी और अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इतना अच्छा काम कर रहा है और आपको परिवार के रूप में मानता है, वो परिवार जैसी पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने यहां साफ तौर से कह दिया, विद्रोहियों ने अभी तक मेरे पिता पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया क्योंकि ये अभी तक स्क्रिप्ट में नहीं है। आदित्य ठाकरे ने शरद पवार को अपना परिवार बताया और बागी विधायकों की तुलना राक्षस से कर दी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।